मैजिकल जेसीबी सुपर कार रोबोट। जावलापुर नाम के गांव में विराट नाम का आदमी रहता था। उसके पास एक मैजिकल जेसीबी था जो वक्त के मुताबिक रोबो में बदल जाता था। विराट जेसीबी से छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट लेकर अपना जीवन गुजर बसर करता था। एक दिन उसके पास लालाजी नाम का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर आता है। अरे भाई, ये विराट कौन है? जी कहिए, मैं विराट हूँ, आपको क्या चाहिए? अच्छा तो आप है, मैंने सुना है कि आपके पास एक मैजिकल जेसीबी है। हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया है गांव के सड़क निर्माण का, पर उस गांव में बहुत सारे छोटे छोटे पर्वत और गड्ढे भरे हुए हैं। हमें उस जमीन को साफ करना है। अच्छा ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारे पैसे देने होंगे। जी जरूर, मैं आपको उस काम के लिए 2,00,000 रुपए दूंगा। देखिए लाला जी, काम आसमान पर उड़कर करो या जमीन पर बैठकर, काम तो काम होता है। आप जो कीमत इस काम के लिए दे रहे हैं वो बहुत कम है। देखिए, आप अपना काम तो शुरू कीजिए, पैसे का क्या है, हम फिर से बात करेंगे। अगले दिन विराट अपने मैजिकल जेसीबी से काम शुरू करता है, लेकिन उसी गांव में रहने वाला उमेश नाम का लड़का अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में था। उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। एक जगह पर बैठकर वो अपने मन में सोचता है, अब तक किसी ने भी नहीं बनाई ऐसी एक सुपर कार रोबोट, मैं बनाऊंगा। उस प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में बहुत अच्छा होगा। वो ये सोच ही रहा था कि तभी महेंद्र नाम का आदमी उमेश के पास आकर कहता है, अरे क्या बात है उमेश, क्यों इतना उदास हो? पढ़ाई के मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही है तो मैं उदास नहीं बैठूंगा तो क्या खुशी से नाचूंगा? देखो भैया उमेश, पढ़ाई हर किसी को नौकरी नहीं दिलाती। पढ़ाई सिर्फ इंसान को ज्ञान देती है, उसकी सृजनात्मक शक्ति को बढ़ाती है। इसलिए तुम अपनी होशियारी से कुछ और लोगों को नौकरी दे सकते हो। अरे महेंद्र जी, यहाँ मुझे खुद खाने के लिए खाना नहीं है और आप कह रहे हो कि मैं दूसरों को नौकरियां दूं। ये कहकर उमेश हंसने लगता है। अरे भैया, तुम मेरी एक बात पर गौर करो, अगर तुम्हें कोई मदद की जरूरत हो तो मुझे मांग लेना, मैं अब चलता हूँ। अगले दिन विराट अपने मैजिकल जेसीबी से काम कर रहा था कि तभी वहाँ शिंदे नाम का आदमी आकर विराट से कहता है, क्यों विराट जी, लगता है इस प्रोजेक्ट से आपको अच्छे खासे पैसे मिलने वाले हैं। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लगा है तुम्हारे हाथ। प्रोजेक्ट बड़ा है लेकिन पैकेज बहुत छोटा है। अरे ये क्या कह रहे हैं आप, ये प्रोजेक्ट पूरे 20,00,000 का है। लगता है लालू सारे पैसे लेकर थोड़े बहुत आपको दे रहा है, एक बार आप सोच लीजिए। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। तब से विराट अपने काम बहुत धीरे से करने लगता है। अगले दिन लाला जी आकर विराट से कहता है, क्या बात है विराट, काम गुड्स की गाड़ी की तरह धीमे से क्यों चल रहा है? हाँ, अगर तुम चाहते हो कि काम मेट्रो की तरह चले तो मुझे अच्छी खासी कीमत देनी होगी। देखो विराट, अगर काम वक्त पर पूरा नहीं हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं क्या करूंगा यह मैं भी नहीं जानता, तुम मेरे बारे में जानते कहा हो? आप क्या करेंगे, अगर ये आपको पता नहीं है तो मुझे कैसे पता होगा? वैसे अगर आप गुस्से से 4 डायलॉग छोड़ देंगे तो क्या मैं डर के सीरियसली काम करूंगा? नहीं, मुझे मेरी मेहनत के पैसे मिलने चाहिए। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें 2,00,000 रुपए दूंगा, क्या ये काफी नहीं है? तुम 20,00,000 रुपए ले रहे हो और मुझे 2,00,000 दे रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है? हम दोनों आधे आधे पैसे बांट लेते हैं। अगर आपको ये मंजूर है तो मैं अभी काम शुरू कर देता हूँ, नहीं तो मैं काम अभी के अभी रोक देता हूँ। वैसे लाला जी, भगवान को रखा प्रसाद अगर पुजारी खाता है तो ठीक है, पर लोगों का प्रसाद भी पुजारी ही खाना चाहे तो वो कहाँ का इंसाफ है? लाला को विराट की बातों से बहुत गुस्सा आता है। वो अपने 2 आदमियों को भेजकर विराट को मारने के लिए कहता है। विराट के पास
जो मैजिकल जेसीबी था वो एक रोबोट में बदल जाता है और लाला के भेजे हुए आदमियों को पीटने लगता है। वो लाला को भी जान से मारने लगता है। तब लाला कहता है, अरे विराट, लगता है ये रोबो मुझे जान से मार देगा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, पैसे हम दोनों आधे आधे बांट लेंगे। देखिए लाला जी, आजकल के जमाने में अच्छाई की कोई जगह नहीं है। वो कहते हैं ना, लातों के बुत बातों से नहीं मानते। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ ठीक है, ये लो तुम्हारे 10 लाख रुपए। इस तरह लाला विराट को 10 लाख रुपए देता है। आज के बाद ऐसी बेवकूफी फिर कभी मत करना। मैं तुम्हारा यह प्रोजेक्ट 2 दिन में खत्म कर दूंगा। अगले दिन उमेश महेंद्र के पास जाता है। अरे महेंद्र, मुझे तुम्हारे मदद की जरूरत है। मुझे एक सुपर कार बनानी है जिसमें मुझे तेरी मदद की जरूरत है। अरे हाँ भैया, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अपने आप पर भरोसा है। मैं सोच रहा हूँ कि सुपर कार रोबोट बनाऊंगा जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे। काम होने के बाद आप अपने पैसे ले लीजिए और जो भी लाभ आएगा उसमें दोनों आधा आधा बांट लेंगे। अरे भैया ठीक है, मंजूर है मुझे। ये कहकर महेंद्र उमेश की मदद करता है। उमेश रात दिन मेहनत करके सुपर कार रोबोट बनाता है और उस सुपर कार रोबोट को एक कंपनी के पास ले जाता है और उनसे कहता है, अभी तक किसी ने भी यह सुपर कार रोबोट नहीं बनाई। मैंने इसे खास डिजाइन किया है। अभी तक जो भी कार मार्केट में है, यह सुपर कार उन सबसे भी तेजी से चलती है। होने वाली दुर्घटना को पहले से ही जानकर रोबोट में बदल जाती है ये सुनकर वो कंपनी का मालिक कहता है, क्या आप इसका ट्रायल बता सकते हैं? हाँ हाँ जरूर। ये कहकर वो कार को इधर उधर आगे पीछे घुमाता है। वो उस कार को रोबोट में बदल कर भगाने लगता है। फिर से वो रोबोट को रोबोट कार में बदल देता है। यह देख कंपनी वाले बहुत खुश हो जाते हैं और तालियां बजाते हैं। कंपनी वाले उमेश को एक बड़ा ऑर्डर देते हैं और वो सारा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उमेश सुपर कार रोबोट बनाते हुए काफी व्यस्त हो जाता है और वो अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगता है।